तमाम सुनने और देखने वालों को अनिस्तान का सलाम। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यही पे खत्म, शुरू यही पे शुरू। अगर आप हमारा लेट्स गो जरहान वेट करते हैं, सब्सक्राइब कर लें, हम दो मिनट चलो मैं पढ़ता हूँ, आप वेट करो, मैं भी पढ़ता हूँ, बुक है हमारे पास, सब्सक्राइब कर लेना यार। क्या होता है सिर्फ क्या करें, प्रेस करो। जैसे आप सभी को पता है कि आपका भाई डेली ब्लॉगर है, लेकिन इस तरह के वीडियोस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन जब भी इस तरह का मौका आता है तो मैं बनाता हूँ कि किसी की हेल्प हो सके, दैट वुड बी मच फॉर मी। तो आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज अल्तमस, जितने भी डेंटल कॉलेजेस है या मेडिकल कॉलेजेस है कराची में, किस तरह आपने एडमिशन लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना। मैं चूंकि फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज में पढ़ता हूँ खुद, तो मैं उसकी ज्यादा डिटेलिंग दूंगा, उससे बाकी कॉलेजेस को कंपेयर करके आप अपने एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन पहले बात यह है कि 2K लोग हमारी फातिमा जिन्ना वाली वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं। अगर सब्सक्राइब कर चुके होते तो ये सब्सक्राइबर्स 2K होते, मतलब 608 नहीं होते। तो इस तरह है यार कि आपने सबसे पहले करना है, हर एक कॉलेज ने अपने पोर्टल पर अपने साइट पर प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की है, आपने उधर रजिस्टर करना है, अपने NMD कैट के मार्क्स लिखने हैं, अपने FSC के सबके एग्रीगेट, अगर आपने एटा दिया है तो एटा के लिखने हैं, अगर आपने सिंध वाला पंजाब वाला जो भी टेस्ट दिया है आपने उसके लिखने हैं। सिमिलरली आपने जो भी बलूचिस्तान के कॉलेजेस हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, आपने इस तरह करना है। जिस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए फिर हर एक कॉलेज का अलग मेरिट लिस्ट है। जिस तरह बात मजिरा कॉलेज का है तो शायद हफ्ते दो में वो अपना मेरिट लिस्ट लगा दे, जिनके नंबर ज़्यादा है, मतलब जो रैंकिंग में सॉरी मेरिट में हाई है एग्रीगेट उनका ज़्यादा होने, तो उनको कॉल्स कर दी जाएगी कॉलेज की तरफ से कि आप आ जाए अपना फीस सबमिट कर दे, आपका एडमिशन हो चुका है। जिनका कम है वो इंतज़ार करेंगे, शायद लेट मेरिट लिस्ट में थर्ड फोर्थ मेरिट लिस्ट में उनका भी नाम शायद आ जाए। अगर आपने मुझसे पूछना है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है BDS के लिए इन कराची, चूँकि हम डेंटल के स्टूडेंट हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा लाइक सबके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बताते हो। अभी हमारा कॉलेज है फातिमा जिन्ना कॉलेज, इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, मतलब आपको स्टडी में उनसे कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी, लेकिन उनका एक वीक पॉइंट ये है कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी वीक है, बाकी कॉलेज में स्टडी पर कोई रियायत नहीं है, लाइक क्लिनिकल इज वन ऑफ द बेस्ट, स्टडी थ्योरी स्टडी वगैरह इज वन ऑफ द बेस्ट इन कराची। लाइक मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फातिमा जिन्ना एडमिशन ले लें, अगर आपने कॉलेज के क्या है उसके बारे में कुछ नहीं है, आपका टेंशन उसकी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की, अल्तमश हो गया, अल्तमश बिल्डिंग अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, लेकिन स्टडी में उस तरह नहीं है जिस तरह फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज, बिकॉज द फैकल्टी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड मतलब अच्छा कॉलेज है। सिमिलरली हो गया यूनाइटेड, अच्छा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन स्टडी में इस तरह नहीं है जिस तरह FJ है। तो यही हो गए आपकी प्रेफरेंस क्या है ग्रेडिंग, मेरी तरफ से अपनी पर्सनल राय, इस तरह नहीं है कि हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको तारीफ कर रहा हूँ, अगर आप खुद आ जाए फिर कंपेयर करें तो आपको वही बातें मिलेगी जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जिस तरह आपको कॉलेज में फिर आप एडमिशन कर दें अपना, बस यही तरीका है। मैं एक वीडियो पहले भी पोस्ट कर चुका हूँ, अभी चूंकि हमारा प्रोफ नज़दीक आ रहा है तो इसलिए मैं वीडियो वो डिटेलिंग नहीं बना सकता दोबारा, लेकिन वो पुराना तरीका था, ये नया तरीका भी मैंने सोचा कि आपको बताता हूँ, अगर आप में से किसी ने देखना है, किसी ने एडमिशन करने, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो बस आज का छोटा मोटा ब्लॉग फिर यही ख़त्म करते हैं, इस पर ब्लॉग एंड करते हैं, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज का व्लॉग करते यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब डॉक्टर जरहान चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।